गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ यू ऑल आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम दिस इज अवर प्रैक्टिस बुक ऑफ क्लास फर्स्ट ओपन पेज नंबर सिक्सटीन वर्कशीट टू अंडरस्टैंडिंग अ पोएम यहाँ हमें एक पोएम दी गई है हमें उसे रीड करना है देन उसके आंसर्स करना है रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन इन द बैक यार्ड ऑफ माई हाउस मेरे घर के पीछे बैक यार्ड मतलब होता है घर के पीछे वाला हिस्सा बैक यार्ड ऑफ माई हाउस मेरे घर के पीछे वाले हिस्से में आई प्लांटेड अ टाइनी सी लास्ट ईयर मैंने लास्ट ईयर एक छोटा सा बीच प्लांट किया बोया वहाँ पर विथ ग्रेट डिलाइट मतलब बहुत खुशी से बहुत आनंद के साथ मैंने उस बीच को बोया आई सा द फर्स्ट लीव अपेयर मैंने देखा कि उसकी पहली पत्ती वहाँ पर दिख रही थी उग गई थी देन फ्रूट्स हंग फ्रॉम एवरी बो उसके हर एक डाली पर फ्रूट्स लटके हुए थे आई प्लग दैम वन बाय वन मैंने उन फ्रूट्स को एक एक करके तोड़ा हैड दैम ऑल विद माई फ्रेंड्स हैड ग्रेट फन और उन फ्रूट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ खूब इन्जॉय के साथ खाया ओके okay, फ्रेंड्स ये थी हमारी पोएम देन स्टेट्स स्टेट वेदर दीज स्टेट सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं हमें बताना है कि वह ट्रू हैं या फॉल्स हैं नंबर वन द पॉट प्लांटेड अ सीड इन फ्रंट ऑफ माय ऑफ द हाउस जो लेखक हैं जो पॉट है जिन्होंने ये पोएम लिखी है उन्होंने अपने घर के सामने बीज बोया नो no, उन्होंने घर के पीछे सो दिस इज फॉल्स नेक्स्ट इज द पॉट वॉज हैप्पी टू सी द लीव्स कम आउट पॉट जब पत्तियाँ उसकी उगने लगी तो पॉट उनको देख कर बहुत खुश हुआ ट्रू यस yes, वो बहुत हैप्पी हुआ नेक्स्ट इज द पॉट प्लग्ड द लीव्स पॉट ने लीव्स को तोड़ा रॉन्ग उन्होंने लीव्स को नहीं उन्होंने फ्रूट्स को तोड़ा सो दिस इज फॉल्स नंबर द पॉट हैड फ्रूट्स विद हिज एंड हर फ्रेंड्स पॉट लेखक ने उन फ्रूट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ खाया इट इज ट्रू नेक्स्ट ड्रॉ एंड कलर योर फेवरेट फ्रूट यहाँ हमें स्पेस दिया गया है इस स्पेस में आपको अपने फेवरेट फ्रूट काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं कुछ फ्रूट्स आपके फेवरेट होंगे उसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट है उसकी पिक्चर आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है